वो रात अप्रैल 29, 2015 की थी। मैं, मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा छोटा भाई, हम तीनों भी मूवी देखने के लिए गए थे। मेरा छोटा भाई 9 साल का था, मेरी गर्लफ्रेंड 18 साल की और मैं 19 साल का था। हम मूवी देखने के लिए नियर बाय थिएटर में गए थे। हम मोस्टली रात को लेट ही मूवीज देखने के लिए जाते थे, सो दैट पूरा थिएटर हम लोग ही ऑक्यूपाई कर सके, दैट मीन्स पूरे थिएटर में बस हम ही हो। उस रात भी कुछ ऐसा ही था, पूरा थिएटर ऑलमोस्ट एम्प्टी था। हम एक हॉरर मूवी देखने के लिए आए थे। हमने मूवी टिकट्स ली और थिएटर के हॉल में एंटर कर दिया। हमें पहले तो लगा कि पूरे हॉल में बस हम ही तीन हैं, लेकिन मेरे भाई ने एक आदमी की तरफ पॉइंट आउट किया। वो आदमी हॉल के सबसे टॉप कॉर्नर में बैठा था। उसने एक टोपी पहनी थी और उसकी बड़ी बियर्ड थी। मैंने उस आदमी के बारे में ज्यादा नहीं सोचा और हम अपनी जगह पे जाके बैठे। हमने हमारी सीट फोर्थ लास्ट रो पे बुकिंग की थी। यूजुअली हम जब रात को मूवी देखने जाते थे तो वही की सीट्स बुक करते थे। मैं कॉर्नर एज सीट पे बैठा था, मेरी गर्लफ्रेंड बीच में बैठी थी और मेरा भाई मेरे गर्लफ्रेंड के राइट साइड में बैठा था। कुछ 5 मिनट बाद ट्रेलर्स और रिव्यूज खत्म हुए और मूवी चालू हो गई। मेरी गर्लफ्रेंड के हाथ में पॉपकॉर्न थे। मेरी गर्लफ्रेंड और मेरा छोटा भाई वो पॉपकॉर्न खा रहे थे। तो जब वो खा रहे थे तब पॉपकॉर्न की च्यूइंग की आवाज आ रही थी, और तब जब उन्होंने पॉपकॉर्न खाना बंद किया पीछे से एक आवाज आई। मैं थोड़ी देर के लिए रुका और पीछे मुड़ के देखा। तभी मैंने देखा वो जो आदमी टॉप कॉर्नर में बैठा था उसने अपनी सीट चेंज कर ली है। वो अभी पीछे के रो में बीच में बैठा था। ये काफी और बात थी, लेकिन मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और मैं मूवी देखने लगा। और कुछ 10 मिनट बाद जब मूवी इंटरेस्टिंग हो रही थी तभी मैंने फिर से पीछे से एक आवाज सुनी। मैंने फिर से कुछ सेकेंड्स के लिए वेट किया और पीछे मुड़ के देखा। मैंने देखा वो आदमी अब एक रो नीचे आके बैठा है, दैट मींस ऑन द सेकंड लास्ट रो। वो आदमी अभी राइट सेक्शंस की सीट्स पे बैठा था। मैं अपनी गर्लफ्रेंड की तरफ लीन हुआ और उसे कैजुअली कहा, पीछे मत देखना, बट वो आदमी लगातार सीट्स चेंज कर रहा है। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे इग्नोर किया और वो काम होके मूवी देखने लगी। मैंने अपने आप से कहा, अगर उस आदमी ने फिर से सीट चेंज की तो मैं उसको पूछूंगा, और मैं भी मूवी देखने लगा। और शायद कुछ 5 मिनट बाद विदाउट इवन हियरिंग एनीथिंग मैंने पीछे मुड़ के देखा। इस बार मैंने देखा वो आदमी अभी राइट सेक्शन के सेकंड लास्ट रो पे आके बैठा है, दैट मींस एग्जैक्टली बिहाइंड अस। इस बार मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को नज किया और पीछे मुड़ के देखने के लिए कहा। मेरी गर्लफ्रेंड ने पीछे मुड़ के देखा और फिर वो मेरी तरफ एक कंसर्न्ड और कंफ्यूज्ड लुक से देखने लगी। उसके बाद उसने मुझे कहा कि क्या हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने एकदम फर्म होके कहा, ऑफ कोर्स नॉट। At this point, I was not able to concentrate towards the movie. Even though मैं movie screen की तरफ face करके बैठा था, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी उस आदमी के बारे में ही thoughts थे। मैंने अपने आप से कहा, अगर वो इंसान एक और seat हमारे पास आया तो मैं पीछे मुड़ूंगा और firmly उस इंसान को पूछूंगा कि वो exactly क्या कर रहा है। But then I also thought कि शायद मैं इस चीज पे ज्यादा नजर डाल रहा हूँ। क्या पता वो इंसान एक नॉर्मल इंसान है जो कि अपनी सीट्स चेंज करता रहता है फॉर द प्रॉपर व्यूइंग ऑफ द मूवी। एंड देन अगेन आफ्टर 10 मिनट्स जब मैंने पीछे मुड़ के देखा वो इंसान एग्जैक्टली हमारे पीछे बैठा था, और आईने से एग्जैक्टली मेरे पीछे बैठा था। वो इंसान अपनी लैब की तरफ देख रहा था। मुझे एग्जैक्टली पता नहीं वो किधर देख रहा था, लेकिन वो नीचे देख रहा था। मैंने लिटरली अपना मुंह खोला कुछ कहने के लिए, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाया। मैं डरपोक था। मैं तभी बस 19 साल का था और काफी स्किनी भी था। और इसी बीच मेरा छोटा भाई वॉशरूम जाने के लिए उठा और वो वॉशरूम के लिए चल पड़ा। और कुछ 2 मिनट बाद मैंने फिर से पीछे मुड़ के देखा। इस बार मैं रेडी था कुछ कहने के लिए, उस इंसान को फर्मली कुछ बातें सुनाने के लिए। बट आई वॉज कम्प्लीटली शॉक्ड टू सी नो वन बिहाइंड अस। पीछे की सीट्स और आगे की भी सीट्स पूरी एम्प्टी थी। मैंने ये चीज मेरी गर्लफ्रेंड को कही एंड शी सेड गुड। और तभी कुछ 5-6 सेकंड बाद मैं अपनी सीट से फियरफुल होके उठा। आई वॉज वरीड अबाउट माई लिटिल ब्रदर। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं पे वेट करने के लिए कहा और मैं भागते हुए एम्प्टी थिएटर हॉलवेज में जाके पहुंचा। जब मैं अपने मूवी हॉल के बाहर पहुंचा तभी मैंने एक इंसान को वॉशरूम के अंदर जाते हुए देखा। उस इंसान ने टोपी पहनी हुई थी और उसके काले कपड़े थे। मुझे पक्का यकीन था वो इंसान वही इंसान है जो हमारे मूवी हॉल में बैठ के सीट चेंज कर रहा था। मैं फास्ट वॉक करते हुए उस इंसान के पीछे पीछे गया और वॉशरूम के अंदर घुस गया। तभी मैंने उस इंसान को लिटरली अपने नीज पे देखा वॉशरूम स्टॉल्स के अंदर नीचे से पीक करते हुए।
और तभी उसने मेरी तरफ देखा एंड एट द सेम टाइम मैंने अपने भाई की आवाज सुनी। मेरा छोटा भाई मुझे बुला रहा था वॉशरूम के बाहर से। आई सॉ हिम कॉलिंग मी आउट ऑफ कंफ्यूजन। मैं उसकी तरफ गया, मैं उसको लेके हॉल रूम में गया जहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड वेट कर रही थी। मैं, मेरा छोटा भाई और मेरी गर्लफ्रेंड को लेके हॉल रूम से बाहर निकले और हम फ्रंट डेस्क की तरफ गए। हमने थिएटर हॉल में और वॉशरूम में जो कुछ भी हुआ उस फ्रंट डेस्क पे बैठे हुए इंसान को बता दिया। उस इंसान ने पुलिस को कॉल करके बुलाया और जब पुलिस वहां पे आई उस फ्रंट डेस्क पे बैठे इंसान ने उस आदमी का कैमरा फुटेज हमें और पुलिस को बताया। फुटेज में दिखाई दिया वो इंसान थिएटर से बाहर निकल के भाग गया। मैं थैंकफुल हूँ कि मेरा भाई दूसरे साइड के वॉशरूम में चला गया। अगर मेरा भाई उसी वॉशरूम में चला जाता जिस वॉशरूम में वो इंसान उसे ढूंढते हुए गया तो मुझे पता नहीं मेरे भाई के साथ क्या होता इवन आफ्टर मी बीइंग देयर।